मोदी मीडिया है वो पाकिस्तान से मिला हुआ है। हमारे गांव से लगभग 15-20 लड़के जो फौज में भर्ती भी हैं और वो जम्मू कश्मीर में ठंड में बैठे हैं, उनका मैसेज आता है कि वीडियो में कही गई बातों का पूर्णपोर से कोई लेना देना नहीं है, वक्ता के निजी विचार हैं। हमारा मकसद आप तक हूबहू जनता की आवाज़ पहुंचाना है। अगर इस वीडियो को लेकर कोई विवाद होता है तो इसके लिए पूर्णपोर जिम्मेदार नहीं होगा। तो एक बात मैं मीडिया को भी कहना चाहूँगा, जो मोदी मीडिया है वो पाकिस्तान से मिला हुआ है। वो क्या करता है कि पाकिस्तान के पत्रकारों से टेलीफोन पर बात करता है, उसको हमारे टीवी पर बैठाता है और वो हमारे देश को बुरा बुरा बोलते हैं, हमारे देश के गालियां देते हैं। इधर जो पाकिस्तान के पत्रकार हैं उनको टीवी पर क्यों बिठाया जाता है? वो सरकार को दिखाई नहीं देता, उनको क्यों बिठाया जाता टीवी? वो सिर्फ अपनी टीवी वास्ते, अपनी मशहूरी वास्ते, लेकिन मशहूरी नहीं होती। लोग उनको गालियाँ देते हैं जब हम टीवी के सामने बैठे होते हैं और पाकिस्तान का पत्रकार बुरा भला भारत के बारे में बोलता है तो हमें बहुत दुख होता है। ऐसी बात को मोदी को ध्यान देना चाहिए, इसको अभी बंद करना चाहिए कि हमारे टीवी पर पाकिस्तान का पत्रकार मत बैठे। हमारे कौन से टीवी चैनल कर रहा है ऐसा? जी न्यूज है, जी 9 है, सुदर्शन है, वो 2-3 और हैं, उनका मेरे नाम नहीं याद। मैं हाँ, हमने तो वो अब टीवी से हटा दिए हैं, लोगों को लोग अब उनको बंद कर रहे हैं अपने टीवी से। इसलिए सरकार को मैं दोबारा फिर कहता हूँ कि जो ये हमारा मोर्चा है, ये कोई वैसे नहीं लगा, हम बिल्कुल एंड पर आ गई खेती, किसान बड़ा दुखी है, किसान के पास अब कुछ नहीं है। इसलिए जो हम ये सरकार से अपील करते हैं कि जो काले कानून हैं, जो 3 बनाए हैं, वे इनको वापस लिया जाए। जो इनके जब सरकार ने ये मान लिया कि इन कानूनों में कमी है, वे कुछ अमेंडमेंट हम कर देंगे, तो हम जब ये कानून सही नहीं है तो इनको वापस ले लो। और जो किसान जैसे बैठ के उनसे बात करके जो अच्छे कानून बनाओ, जो देश भारत तरक्की करे और अनाज पैदा हो, गरीब जनता को मिले, तो लोग खुशहाल हों। थिराज गांव, जिला सिरसा, हरियाणा का रहने वाला किसान हूँ। हमारे गांव से लगभग 15-20 लड़के जो फौज में भर्ती भी हैं और वो जम्मू कश्मीर में ठंड में बैठे हैं, उनका मैसेज आता है कि ताया चाचा जी कैसे है? हम सोचते हैं कि हम उनको बताते हैं कि हम दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं किसानों के हकों के लिए, क्योंकि सरकार ने हमें हमारा सौदा हमें बिना बताए हमको अडानी और अंबानी को बेच दिया है। जो अब हम सरकार, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो उन्होंने ज़मीनों को समतल किया, ज़मीनें तैयार की, जो सरकार को बाहर से अनाज नहीं मिलता था वो हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ सरकार को मुहैया कराया, लेकिन अब सरकार की नीत माड़ी हो गई है और सरकार जो है हमारी ज़मीन अडानी अंबानी को देनी चाहती है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ही तो फौज में देश की रक्षा करते हैं और हम ही खेतों में इतना कठिन काम हम करते हैं। इसलिए मोदी को चाहिए कि जो ये काले कानून हैं इनको जल्दी से जल्दी वापस ले और किसानों को इस गर्मी में ना मारे। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं इन्होंने बहुत घालना काली है, बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा खेतों में तकलीफ है, अब इनका आराम करने का समय था, अब इनको फिर यहाँ बॉर्डर पर आके अपनी जो समस्या के लिए आना पड़ रहा है। विदेशों का तो देखो, विदेशों में जो राज्य होता है वो लोकतंत्र से चलता है, हमारे यहाँ लोकतंत्र बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अगर कोर्ट में जाते हैं वहाँ नहीं सुनवाई होती, अगर किसी प्रशासन के पास जाते हैं वो कहता है मैं सरकार से पूछ के करूँगा। अब जहाँ जो विदेशी देश हैं अगर वो इनको उनके ऊपर UNO वगैरह दबाव डाले और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जहाँ उनकी मृत्यु भी बहुत की होगी, वो बहुत भारी समस्या में जहाँ अपना हक लेने के लिए आए हैं, लेकिन जो हम अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, ना हम अडानी को देंगे ना हम किसी के और देंगे, बड़ी मुश्किल से हमने ज़मीनों को बनाया है। जब हमें हमारे भारत देश को बाहर से अनाज नहीं मिलता था तो हमें कहा गया कि आप किसान अन्न पैदा करो और देश को बाहर से हमें लेना पड़ता है, तो हमारे किसानों ने 20 मन जहाँ कणक होती थी खेत में वो 60 मन कणक होने लगी है। तो मैं
मोदी से अपील करूंगा कि जो ये तिकड़मबाजियां हैं, जो किसानों को नकली किसान बिठा के और लोगों को हमें गुमराह करने की बात ना करें, और हमारे जो किसान हैं इनके जो काले कानून हैं इनको वापस लेके किसानों को राहत दी जाए, और इनको जो आगे किस खेती है जो इसको बढ़ावा दिया जाए। क्या करेंगे अगर ये किसान बिल अभी वापस करने की तो बात हो नहीं रही है, अब क्या करेंगे आप? हम बैठे हैं। हमारे जब हम जमीन हमारी जहां सुनवाई नहीं होगी तो हम बैठे हैं। जो 15 अगस्त आएगा उस पर भी हम अपना 26 जनवरी का प्रोग्राम आएगा उसमें हम अपने तिरंगा झंडा लेकर वहां मार्च करेंगे। वो तो हमारे जो नेता हैं, हमारे अफसर हैं, मार्च करेंगे आप संसद में? वो तो हमारे जो हैं किसान नेता, उन्होंने बता ही दिया है कि हम संसद में 26 जनवरी को हम ना झंडा लेकर हम मार्च करेंगे। लेकिन आपको डर नहीं लगेगा? यहाँ पे फोर्स लगा रखा है, सब कुछ लगा रखा है। डर तो हमने तो जाकर हम नाम हमें मिला तो भी हमने भूखे मरना है, यहाँ ऐसे भी मरना है तो मरेंगे, तो अपने बच्चों के लिए, खेती के लिए तो हम मरते आए हैं, भारत के लिए हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे बच्चे जो जम्मू कश्मीर में शहीद हो रहे हैं वो हमारे बच्चे हैं, हमारे गांव के हैं, हमारे परिवार के हैं। लेकिन तो आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा उनकी बात, जो आज भाषण में इतनी लंबी चौड़ी बात की है कि आपको अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है पैसा, सब कुछ कर दिया है? वो हमारा पैसा है जी, हमारे बीमे के पैसे थे, जो अब खेती का बीमा नहीं होता तो 300 लेते थे, अब 1200 लेने पर लग गए, अब करोड़ों रुपया अरबों रुपया कंपनियों को हमारे से खोज कर दी दिया। हम जो ये उठे हैं ना, हमें सरकार ने बहुत सताया है, और भी हमारे उधर बहुत टैक्स लाए हैं। अब जो तेल का रेट है, अगर हम खेती करें तो पहले 40 रुपये था, अब 90 रुपये हो गया, तो खेती में से जो बचता था वो हमें अब नहीं बचता। पिछले पाँच साल से हम कर्जा लेके अपने परिवार चला रहे हैं, हर एक किसान पर 5 लाख से 20 लाख तक कर्जा है, सिर्फ हमें घर चलाने के लिए बैंकों से लोन ले रखा है, हम कोई फालतू पैसा नहीं लगाते, इसलिए आगे हमको कर्जा ना मिलेगा, ना हमें कर्जा मिल रहा है। हमें तो भूखे मरने से हम चाहते हैं कि हम जहां सरकार हमें हमारा फैसला करे। मैं राजेंद्र सिंह लुधियाने तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से काम करके रिटायर हुए हैं, पंजाब में लुधियाने ज़िले से आया हैं, गांव से। सर आज मोदी जी ने स्पीच दिया, मोदी जी ने आज अपने भाषण में कहा है कि किसानों के हित के लिए है बिल, और हमने किसानों को कई हजार करोड़ रुपए अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। जेब मोदी जी की एक पहले भी चाल थी जो 2012 है, जेब जो नए कानून है इनके साथ जो किसानों की होंद को ख़त्म कर रहा है, जो 2000 वाली बात जो पंजाब के किसानों को दी है, इसका कोई कानूनों के साथ कोई महत्व नहीं रह जाता, इसका कोई महत्व नहीं। 2000 का 2000 चाहे वो अपना वापस ले ले, किसानों को तो अपनी MSP चाहिए या फिर 100% प्रोक्योरमेंट चाहिए। पंजाब के किसानों के लिए 2000 का कोई महत्व नहीं, वो देता रहे इसको बंद कर दे या देता रहे इसको उसकी हो है। हाँ वो सोच रहे हैं भी ऐसे किसान शांतमयी बैठे रहेंगे तो चल जाएगा, पर जो किसान पंजाब के शांतमयी बैठने वाले नहीं, इससे अग्रसर होंगे, ये उनको देख रहे हैं, इससे अग्रसर होकर दिल्ली को घेरेंगे, दिल्ली के बाहर BJP के जो लोग हैं उनको घर में बंद करेंगे, उनको बाहर निकले नहीं देंगे, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे UP में हो। कैसे आप करेंगे आप लोग? अब देख रहे हैं उनकी जो बातचीत चल रही है वो कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, बारे से बात करो, जब बात खत्म हो जाएगी तब इधर को चलना पड़ेगा। हाँ हम उनको BJP के लीडरों को घर में बंद करेंगे और उनके घर के सामने हम धरना लगाएंगे। कब? बस 2-4 रोज की बात है, और जब मीटिंग में कोई फैसला ना हुआ तो हम उनको घर में बंद कर देंगे सभी को। अच्छा, लेकिन मोदी जी बार बार जो ये कह रहे हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है? नहीं, वो कोई बात नहीं करना, वो जो हम चाहते हैं भी कानून रद्द करो उस पर बात नहीं कर रहे।
जो हम कानून चाहते हैं अभी रद्द करो, उनसे उनकी बात नहीं कर रहे और टाल मटोल कर रहे हैं। उस पर बात करते हुए कह रहे हैं कि किसानों के हित में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई हमारे हित में नहीं, हमें जबरदस्ती दे रहे हैं जब हम चाहते नहीं। हमें उनका नुकसान है, हमें उनका कोई फायदा नहीं, फिर क्यों लागू कर रहे हैं, क्यों कानून बना रहे हैं इसे, जिन कानूनों से हम चाहते ही नहीं, हमें उनका कोई फायदा ही नहीं, वो जबरदस्ती थोप रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए पूरमपुर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।